हेलो एंड वेलकम टू धीराज गेमिंग। जैसा कि नियम में आ चुका है न्यूज सा जो कि आएगा अगली अपडेट में। इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर जो स्पेशल है वो ये है कि रिकॉल सेंटर नहीं है। कुछ अमाउंट के लिए, टाइम के लिए आपको रिकॉल दोबारा मिल जाएगा। जिप लाइन बना भी सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। दो एक शॉटगन है, एक क्रॉसबो है जो कि आग भी उगल सकती है, और एक हमें मिलेगा नया व्हीकल। और चलते हैं प्लेन में। प्लेन मैप का है, शिपयार्ड, कैवर्न, रिगल रिजॉर्ट। और नीचे आए तो फ्लेम विलेज है, बुलान बे है, क्रिस्टल बे है, साइंस सेंटर है, टैली पार्क टाउन है, पिंक बीच है, सनसेट स्ट्रीट है, और एक लव बीच भी है। और हम उतरे हैं इस वक्त साइंस सेंटर में। होगा तो कुछ नहीं, सारे बॉट ही होंगे, लेकिन हम बता रहे बहुत अच्छी लेबॉरेटरी टाइप, एक डिस्कवरी टाइप कुछ है, ये सॉरी ऑब्जर्वेटरी टाइप ये कुछ है। और इसके अंदर आप लैंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा लूट, बेसिकली फाइट करना मकसूद नहीं है। और यहाँ पर कुछ भी एज सच कैंपिंग करने की जगह नहीं है। अगर कोई बंदा आपके ऊपर आ गया तो आप सिर्फ एक प्रॉन कर कर अपने आप को बचा सकते हैं, या इसके पीछे आप छुप सकते हैं। और अच्छा है, खुला खुला है, ग्रीन है। अगर ओवरव्यू आपको बताऊं तो क्रैकन को अंदर रंग भर दो ग्रीन कलर का तो ये बन जाएगा। वन बाय वन का इन्होंने बनाया है। और 35 प्लेयर होंगे इसके अंदर। इसमें जो पूल है उसके अंदर आप अगर लेटे ही बैठेंगे तो फौरन से आपकी एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और देखें कि और क्या कुछ है, तो हमने बस बोट ही मारने हैं फिलहाल। तो मैं आपको बाप बता दिखाता जाऊँगा कैसे कैसे बिल्डिंग है, छोटी मोटी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना मुश्किल है, कैंपिंग मुश्किल है। बहुत तेज़ होगा, मतलब कि 5 मिनट मैक्सिमम होगा इसका, क्योंकि लिविक के अंदर 10 मिनट की गेम होगी। 50 बंदे होते हैं इसके अंदर, बंदे होंगे 34, 34, 35। और वन बाय वन है, 1 किलोमीटर का है, तो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट की गेम होगी। और क्योंकि ये है अपना बीटा वर्जन है और इसमें बंदे नहीं हैं, सारे बॉट हैं, तो 10 मिनट तक गई है। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके इसको मैं 7 मिनट तक लेके जाऊंगा। और अभी तो ऐसे कुछ भी मुझे नहीं मिला, नई गन नहीं मिली, नई व्हीकल नहीं मिली। मैं देख रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, शिप यार्ड को देखते हैं, शिप यार्ड की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि शिप यार्ड कैसा बनाया है। क्रेट ऐसी आपको मिलेंगी जगह जगह पर, जिसमें से लूट मिलेगी। इसके अंदर एक और दिया है इन्होंने, मेडकिट टाइप, जिससे एनर्जी फुल बूस्ट हो जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं शिप यार्ड, क्योंकि शिप यार्ड ये हर मैप में डालते हैं, चाहे जो भी हो वैसा एक इन्हें मज़ा आता होगा। तो वेयर हाउस की जो शेप है वो भी चेंज है, डायमेंशन भी चेंज है। और तो और अभी तक कोई ड्रम ड्रूम कंटेनर कंटेनर होंगे इसके अंदर भी। तो लूट अच्छी खासी है, पर कुछ देर के लिए जैसे वार जोन में है या दूसरी गेमों में है, आपको ऑटो रिस्पॉन कर देंगे। और यहाँ पर एक कोई इवेंट आएगा तो उसके अंदर ये पोस्ट कार्ड हैं, वो इवेंट के अंदर सब आता रहता है, तो पोस्ट कार्ड दिया गया है। तो यहाँ से मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी है, यहाँ पर आपको दिखाता चलता हूँ। वो स्विमिंग पूल हॉट टब टाइप भी बना हुआ है, 2 हॉट टब है और एक स्विमिंग पूल है, जिसके अंदर हेल्थ जो है वो दोबारा आपकी रिकवर हो जाएगी। शॉप में कुछ भी नहीं है। और तो और डासिया भी मिल जाती है, जीप भी मिल जाती है, सारी वेपन मिल जाती है। मौसम का पता नहीं मिलेगी कि नहीं। तो अब ये क्रेट है, इसके अंदर भी आपको लूट मिल जाती है। और क्या मिलेगा, तो जैसे ही ये आएगा तो हम खेलने में मज़ा आएगा, रैंक पुश करने में मज़ा आएगा इस मैप के अंदर। अगर आपको मैप अच्छा लगा है तो कमेंट में बताएं। और मज़ीद वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
क्योंकि सब्सक्राइब के पैसे नहीं हैं। अभी हम ढूंढ रहे हैं बाकी बचे बॉट। तो ये लकड़ी का अगर आप मारोगे इसके ऊपर फायर तो ये जिप लाइन टूट जाएगी, और एक जिप लाइन को रिपेयर करने के लिए एक टूल है वो आप लेके आओगे तो ये दोबारा रिबिल्ड हो जाएगी। तो अभी हम देखते हैं कि बोट कहाँ पर है। मैं ज़रा कॉन्शियस हो गया क्योंकि एक बोट असली बंदों की तरह मारे जा रहा था। हमारा मैच ख़त्म हो गया।